हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चंस। यस, आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस है क्या और इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फिगर बना हुआ है पहले से। द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट एस। ये जो पी क्यू आर ट्राइंगल है इसको, इसके क्यू आर को एस तक बढ़ाती है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर, इस पी क्यू आर के बाइसेक्टर्स को आगे बढ़ा दिए एंड पी आर एस, पी आर एस के बाइसेक्टर को आगे बढ़ाएं तो ये पॉइंट टी पे मिलता है। तो हमें दिखाना है कि क्यू टी आर, ये जो आप देख रहे हैं क्यू टी आर जो है वो क्यू पी आर का हाफ है। यस, तो क्या गिवन है? ध्यान से देखिए, एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है। टू प्रूफ एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, दैट मीन्स हमें दिखाना क्या है, ये फाइव हो जाएगा और ये सिक्स हो गया। तो क्यू टी आर को सिक्स ले लिए और ये हाफ ऑफ एंगल फाइव, मीन्स ये हमें दिखाना है। प्रूफ, तो प्रूफ करने के लिए ध्यान दीजिए कि एंगल थ्री प्लस फोर जो है, यस, पी क्यू आर ट्राइंगल पे चलिए जाइए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू। दैट मीन्स ये पूरे एंगल को ऐड करेंगे और ये पूरे एंगल को ऐड करेंगे। रीजन क्या होता है ना, एक्सटेरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। तो एंगल थ्री प्लस फोर को क्या हम लोग लिख सकते हैं एंगल फोर प्लस एंगल फोर, और फिर ये जो एंगल वन प्लस टू देख रहे हैं वो हम इसको एंगल टू प्लस एंगल टू, ऐसा इसलिए कि एंगल वन टू के इक्वल है और एंगल थ्री जो है वो एंगल फोर के इक्वल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, टू एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल फाइव प्लस टू एंगल टू। तो यदि हम एंगल फोर का वैल्यू निकालेंगे, यस, एंगल फोर का यदि वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, एंगल फाइव प्लस टू एंगल टू बाई टू, और इसका नाम रख दिए क्वेश्चन नंबर वन। अब आते हैं इस ट्रायंगल क्यू टी आर में, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, तो इसमें भी एक्सटेरियर एंगल कौन है, फोर। तो एंगल फोर किसके इक्वल होगा, एंगल टू प्लस एंगल सिक्स, एंगल टू प्लस एंगल सिक्स। कैसे हुआ, जो एक्सटेरियर एंगल होता है इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। तो एंगल फोर का वैल्यू देखिए क्या ले आए थे यहां पे, एंगल फाइव बाई टू प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल सिक्स। लिखते हैं क्या, ऑन यूजिंग इक्वेशन वन। तो कुछ कैंसिल हो जाएगा क्या, ये देखिए एंगल टू, एंगल टू से कैंसिल हो गया, तो एंगल सिक्स एंगल फाइव बाई टू के इक्वल हो गया। तो देखिए एंगल सिक्स मेरा है क्या, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, और ये हाफ ऑफ एंगल, ये एंगल फाइव कौन सा है, फाइव एंगल है पी क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, और इसे ही हम लोग को प्रूफ करना था। समझ गए,